तो मेरे भाइयों और बहनों, स्वागत है आप लोगों का बहुत दिन बाद एक रिव्यू वीडियो में। वैसे मैं चैनल पर वीडियो भी बहुत दिनों बाद डाल रहा हूँ, कुछ कामों में फंसा हुआ था, काम बोल लो या आलसीपना बोल लो, उस सब में उलझा हुआ था, बन रहा था वीडियो बनाऊँ कि नहीं बनाऊँ, बस यही सोच रहा था। तो वैसे वीडियो आएंगी, जल्दी जल्दी आएंगी। तो ये वीडियो होने वाली है मेरे नए हेलमेट के ऊपर, जो कि मैंने अभी अभी जस्ट परचेज किया है। तो देखिए पहले सिनेमैटिक्स उसके। मैंने परचेज किया था आज से 20 से 25 दिन पहले, ठीक है। तो मैं एक राइड पे गया था, आप लोगों को नहीं पता शायद, वैसे पता कहाँ से होगी, मैंने बताया ही नहीं है। तो मैं राइड पे गया था जबलपुर तरफ, जबलपुर सिटी गए थे हम लोग, एमपी हम दो लोग गए थे, मैं और राजू भैया। तो उसी टाइम मैंने परचेज़ किया था, सोचा क्यों ना अपग्रेड किया जाए, तो इसीलिए मैंने लिया। बाकी बातें हेलमेट के साथ करते हैं। तो भाई लोग, आप लोगों ने देख लिया होगा कि कौन सा हेलमेट लिया है मैंने। हेलमेट के साथ अपने को मिला था ये कवर उसका, हेलमेट के साथ ये मिला था अपने को एग्जोर के तरफ से। तो निकालते हैं, फिर आप लोग को दिखाता हूँ कैसा है हेलमेट। और बाकी हेलमेट का लुक आप देख सकते हो कितना बढ़िया दिखता है। इसमें डबल वाइज़र आता है, एक वाइज़र अपना ये खोलते हैं इसको, हाँ थोड़ा गंदा हो रखा है, और ये अपना सेकंड वाला वाइज़र, जो कि यहाँ से ये साइड से बंद हो जाता है और खुल जाता है। देखो, मैंने इसको यूज़ करके देखा है, काफ़ी सही लगा मुझे। मेरा पुराना वाला हेलमेट यहीं पास में रखा हुआ है, तो आप लोगों को दोनों साथ में दिखाते हैं अपना पुराना वाला हेलमेट। तो देख सकते हो भाई, ये थोड़ा गंदा हो रखा है, यहाँ पास मैंने नाम लिखवाया था, देखो। तो इसमें देखेंगे लिखवाना है कि नहीं। वैसे देख सकते हो साइज में कितना डिफरेंस है, बड़ा भाई लग रहा है ये तो इसका। इसको मैंने लिया था 2200 में, सोचा क्यों ना अपग्रेड किया जाए, तो मैंने एग्जोर का लिया। ये स्टील बर्ड का था, एयर स्टील बर्ड एयर, तो मैचिंग गाड़ी से लिया मैंने, उस टाइम लिया था। और यहाँ भी एक एयर वेंट है, बाकी इसके बारे में हम बातें बाद में करेंगे। देख लो क्या ये पैडिंग कितनी अच्छी है भाई, मैं क्या ही बताऊँ मैं। अब स्टील बर्ड यूज़ करके जब एग्जोर पर शिफ्ट हुआ तो पता चल रहा है भाई महंगे हेलमेट के फ़ायदे क्या होते हैं। एक बूंद एयर नहीं जाती है भाई उसमें, तो अपना पुराने वाले हेलमेट पे इतना एयर जाता था अंदर, इतना एयर जाता था, माइक की आवाज़ अच्छे से नहीं आती थी। बट अपग्रेड किया है मैंने, आवाज़ भी अभी बहुत अच्छी हो जाएगी मोटो ब्लॉक्स में। और बाकी आप देख लो यहाँ, ये हेलमेट मेरे को पड़ा था 4900 का, 5000 आप मान सकते हो। और मैचिंग लिया है मैंने, रेड ब्लैक ग्रे, अपनी गाड़ी के साथ अच्छा मैच हो जाता है ये। और भाई राइड वाइड करते रहते हैं इतनी दूर दूर की, तो क्या 2000 का हेलमेट पहन के चलाएगा यार, इंसान अपनी सेफ्टी भी तो देखेगा ना। तो इसलिए मैंने इसको परचेज़ कर लिया। और भी कुछ राइडिंग गियर्स परचेज़ करेंगे फ्यूचर में, आपको दिखाएंगे। बाकी तो ये अभी नया है, चमक रहा है एकदम। तो हेलमेट कैसा लगा नया वाला अपना, बता देना कमेंट में। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट में बता देना। और मिलता हूँ एक नई धमाकेदार वीडियो के साथ। ये छोटी सी रिव्यू वीडियो थी नए हेलमेट की।